हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो इंट्रोडक्शन के नेम से है। आज हम लोग इस लेसन के कुछ पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और ये इसका सेकेंड पार्ट है। थोड़ा थोड़ा पार्ट ले रहा हूँ ताकि आपको भी उबर महसूस न हो। तो इस वाली वीडियो में हमें पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के रीजंस क्या होते हैं, रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स पढ़ना है और मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ये पॉइंट हमको इसमें इस पार्ट सेकंड में कवर करना है। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, फिर उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। देखिए स्टूडेंट, जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था आपको कि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, मानव की आवश्यकताएँ असीमित होती हैं। लेकिन हमारे पास जो मीन्स होते हैं या जो रिसोर्सेज होते हैं वह जो है वह लिमिटेड होते हैं। जो हमारे पास ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे पास मींस होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। इसीलिए हमारी जो जितने भी नीड्स हैं या जितने भी वांट्स हैं वो कैन नॉट बी फुलफिल कम्प्लीटली, वह पूरी तरह से उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए, प्रत्येक कंज्यूमर को जो है चॉइस से गुजरना पड़ता है, उसे चॉइस करना पड़ता है। हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो मींस है या जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारी सारी जो वांट्स हैं वो तो पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक जो कंज्यूमर है वह यह चाहेगा कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो। इसके लिए उसे चॉइस करना पड़ेगा, उसे चुनाव करना पड़ेगा, दोनों स्थितियों में चुनाव करना पड़ेगा। रिसोर्सेज का भी चुनाव चॉइस करना पड़ेगा उसको, और उससे कौन सी उसकी वांट्स को पहले पूरा किया जाए उसको भी चॉइस करना पड़ेगा। उसे ये चॉइस करना पड़ेगा कि विच गुड्स शुड बी कंज्यूम्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। उसे जो है ये डिसाइड करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि विच गुड्स शुड बी कंज्यूम्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कि किस गुड्स को और सर्विसेज को, कौन सी गुड्स और सर्विस को जो है वह कंज्यूम करे और कितनी मात्रा में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। तो हम कह सकते हैं कि जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वह बेसिकली किसकी प्रॉब्लम होती है, वह बेसिकली जो है चॉइस की प्रॉब्लम होती है। एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम होती है, चॉइस की प्रॉब्लम होती है। हमको क्या चॉइस करना है और उसके चॉइस में ध्यान रखा जाता है किसका, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। उसे जो है सबसे पहली बात की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली जो है यह चॉइस की प्रॉब्लम है, जिसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है उसको, इसमें सम्मिलित होता है कि हमारे पास जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको किस प्रकार, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के जो अल्टरनेटिव यूज हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार जो है किस प्रकार अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करें। इसको एकदम हिंदी में शुद्ध में बता रहा हूँ अपनी भाषा में, कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो बेसिकली जो है चॉइस की प्रॉब्लम, अर्थात चुनाव की समस्या है। और किन परिस्थितियों में चुनाव करना पड़ता है, इन परिस्थितियों में हमारे पास जो है जो हमारी आवश्यकताएँ हैं वो अनंत हैं और हम उनको और उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो सीमित हैं और उन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब हम किसी भी साधन को हर यूज में नहीं ला सकते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ा हम कि वह साधन जो है हम विशेष रूप से किस प्रयोग में लाएं। जैसे बिजली है, उसके कई प्रयोग हैं, ठीक है। फैन चला सकते हैं आप, कुकिंग कर सकते हैं आप, पंपिंग सेट चला सकते हैं आप, मशीन चला सकते हैं, लेकिन अब आपके पास ये निर्भर करेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी, आप कितना बिल दे सकते हैं, ताकि आप जो है उस बिजली का प्रयोग उन्हीं उन्हीं चीज़ों में करिए जिनमें जरूरी है, जिनकी क्षमता आपके पास है,
एक तो उधर हमको रिसोर्सेज का चॉइस करना पड़ा है, और हमको ये भी ध्यान देना पड़ा है कि हमारी चूँकि हमारी आवश्यकताएँ तो असीमित हैं, हम एक साथ जो है बहुत सारी चीज़ आते हैं लेकिन हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। आप चाहे तो इसको इसको जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में ये लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया, रिटर्न लिख दिया, ताकि आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, क्या यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, चॉइस की प्रॉब्लम है, और जिसमें किसी परिस्थिति में हमको चॉइस करना पड़ता है कि हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और उनको और उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है या जो मीन्स है वो लिमिटेड हैं और वे रिसोर्सेज इसके अल्टरनेटिव यूज हैं। हमको तो ये समझ में आ गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। अब हम ये देखते हैं कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस कौन से हैं, क्यों ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, इसके रीजंस क्या, ऐसे कारण क्या है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस क्या है। देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जनरली थ्री रीजंस होते हैं, इसके जो है जनरली थ्री रीजंस हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पर है स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव यूज। तो आइए इसमें से हम लोग फर्स्ट को समझते हैं। तो समझते हैं कि स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, क्या मतलब इसका, स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्यों स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जन्म लेती है। देखिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, ठीक है, ये लिमिटेड है। किसके संदर्भ में, ये जो है डिमांड के संदर्भ में, डिमांड के संदर्भ में ये जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। देखिए एक इकोनॉमी जो है, एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट, एक इकोनॉमी जो है उन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है जो लोग चाहते हैं। लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो सारी चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, अर्थात उसके पास जो साधन हैं वो सीमित हैं। और ये जो स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है ना, ये एक बेसिक रीजन है। जितनी भी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, जितनी भी इकॉनमी है या पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को कर लीजिए, यह जो है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का जो है एक बेसिक रीजन है। इसी के कारण जो है सारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जन्म लेती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्कर्सिटी इज यूनिवर्सल, स्कर्सिटी जो है वह यूनिवर्सल है एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज। स्कर्सिटी जो है यूनिवर्सल है, यह यह जो है सभी प्रकार जो इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है और कंट्रीज हैं, वो वहाँ सभी जगह लागू होता है क्योंकि यह स्कर्सिटी इज यूनिवर्सल, यह यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, यह सार्वभौमिक है। यदि रिसोर्सेज स्कार्स न होते, यदि जो है संसाधन सीमित न होते तो देयर शुड बी नो एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन एनी इकोनॉमी, तो किसी भी इकोनॉमी में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही नहीं। यदि हमारे पास साधन भरपूर होते हैं, जिसको जो चाहिए वह मिल जाए, तब तो आर्थिक समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। अब भाई सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड रीजन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सेकंड रीजन देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड रीजन जो है वह है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के कारण जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जन्म लेती है। आप जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, कि ह्यूमन वांट्स का कभी एंड ही नहीं होता, इसका कभी भी एंड नहीं हो, जो ह्यूमन वांट्स है वो कभी भी उसका एंड नहीं होता, कभी ह्यूमन वांट्स समाप्त ही नहीं होती। ह्यूमन वांट्स कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, ह्यूमन वांट्स जो है कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती। एंड एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड एंड द न्यू वांट इमर्ज, और ज्यों ही जो है एक हमारी वांट जो है सेटिस्फाई होती है, त्यों ही दूसरी वांट जो है वह जनरेट हो जाती है, वह इमर्ज हो जाती है। हमारी ह्यूमन वांट जो है, मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वह असीमित होती हैं, वह कभी संतुष्ट होती नहीं। हमारी ज्यों ही एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। हमारे पास साइकिल नहीं तो सोचते हैं साइकिल हो जाए, साइकिल होगी सोचते हैं कि दोपहिया वाहन हो जाए, फिर सोचते हैं चार पहिया वाहन हो जाता तो सोचते हैं सबसे महंगी गाड़ी हो जाए, सबसे महंगी गाड़ी हो जाए तो सोचते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मकान हो जाए, फिर और फ्लैट हो जाए, जमीन हो जाए। तो हमारी ही वांट जो है, ज्यों एक वांट फुलफिल होती है तभी दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए हमारी जो ह्यूमन वांट्स वो कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं है। और एक चीज़ और है कि ह्यूमन वांट्स जो प्रायोरिटीज़ में डिफर होती हैं, ह्यूमन वांट्स की जो प्रायोरिटीज़ होती है वो डिफर होती है।
जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो प्रायोरिटीज़ में डिफर होती है। कहने का ये मतलब है कि हमारे जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी तीव्रता में अंतर होता है। हमारी जितने भी वांट्स होती हैं वह इक्वल रैंक की नहीं होती। हमारी कोई आवश्यकता बहुत ज़रूरी बहुत तीव्र होती है, वह कोई आवश्यकता कम होती है। कहने का तात्पर्य यह है, कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी वांट्स हैं, अब जैसे एक समय में आपको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, ठीक है, आपको स्कूल की फ़ीस जमा करनी है, आपको जूते मोजे चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको नए कपड़े चाहिए, तो सारी आवश्यकता अब इतनी सी आवश्यकताएँ हैं आपके पास, लेकिन आपके पास जो पैसे हैं वो कम हैं, तो आप जो है तो सबसे पहले देखेंगे जो सबसे पहले क्या ज़रूरी है आपको। सबसे पहले भोजन ज़रूरी है, भोजन करेंगे, फिर पानी पियेंगे, फिर स्कूल की फ़ीस ज़रूरी है तो स्कूल की फ़ीस जमा करेंगे, फिर उसके बाद जूते खरीदेंगे, फिर पैसा होगा तो साइकिल, फिर बाइक। तो ये जो हमारी वांट्स हैं सब इक्वल रैंक के नहीं है, इनकी प्रायरिटीज में डिफरेंस होता है। तो हम जो हमारी जो तीव्रता जिस चीज़ की अधिक होती है तो हम सबसे पहले उसको पूर्ण करते हैं। और जो ह्यूमन वांट्स है ये प्रायरिटीज जो डिफर होता है, इसके कारण भी यहाँ पर जो है चॉइस की समस्या जन्म लेती है। यदि ऐसा न होता, यदि सारी वांट्स जो है इक्वल रैंक की होती, इफ़ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, देन इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू मेक चॉइस। यदि सभी जो है ह्यूमन वांट्स इक्वल रैंक की होती तब तो चॉइस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जन्म ही नहीं लेती। अब आशा करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है अल्टरनेट यूज़ क्या होता है, ऐसा क्या मतलब है। मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था इसके पार्ट वन में, फिर भी मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। अल्टरनेट यूज़ का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी साधन को एक से अधिक प्रयोग में ला सकते हैं तो उसे ही अल्टरनेट यूज़ कहते हैं। आप कह सकते हैं कि अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिजोर्सेज मीन्स दैट रिजोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज़, कि किसी भी रिजोर्स को एक से अधिक चीज़ में यूज़ करना ही क्या है, अल्टरनेट यूज़ है। जैसे मैंने अभी बिजली का एग्जांपल आपको दिया था कि बिजली का अल्टरनेट यूज़ है, उसे हम जो है कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइट को जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टीवी चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मशीन को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पंप सेट चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम अपने क्लॉथ पर आयरन करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, तो कई यूज़ हम इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी जो है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जन्म लेती है, ये अल्टरनेट यूज़ भी इसका एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास अल्टरनेट यूज़ होता है तब तो चॉइस ही समस्या जन्म लेती है। हमें जो है यहाँ पर भी चॉइस करना पड़ेगा कि हम जो है किस यूज़ में, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, उसको किस यूज़ में हम लगाएं, कहाँ अप्लाई करें। क्योंकि जैसे बिजली है, बिजली से तमाम प्रकार के कार्य होते हैं, लेकिन आप जो है हर कार्य तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, आपकी सैलरी नहीं है कि इतना बिल भर सकें आप। तो आप देखेंगे कि बिजली का हमको कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पर सबसे अधिक आवश्यकता है, अपनी जो वांट्स होती है उसकी तीव्रता के अनुसार आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमको बिजली से, हमको फैन चलाना है, हमको अपना, हमें जो है अपना समरसिबल चलाना है या बल्ब जलाने हैं, तो आप ये डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी जो चॉइस समस्या जन्म लेती है, चॉइस के कारण ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम जन्म लेती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तीन मेन जो है रीजन्स होते हैं, कौन कौन से, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेट यूजेस। अभी थोड़ा सा कुछ और भी पॉइंट्स से उसको भी समझ लेते हैं। देखिए हम अब आगे समझेंगे कि रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स, रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स। देखिए हम समझें कि फीचर ऑफ रिसोर्सेज के क्या फीचर्स होते हैं। देखिए पहली बात कि जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर स्कार्स एंड दे सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड। जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स होते हैं, स्कार्स मतलब वो दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ मतलब डिमांड के अनुसार इनकी सप्लाई नहीं होती, डिमांड के अनुसार इनकी सप्लाई नहीं होती है। इसकी सप्लाई क्या होती है, इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, किसके संदर्भ में, डिमांड के संदर्भ में। तो इसकी पहला जो है इसका फीचर हो गया कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो
इसकी सप्लाई जो है डिमांड की तुलना में क्या होती है, स्कार्स होती है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि दे हैव अल्टरनेटिव यूसेज, जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी अल्टरनेटिव यूज होते हैं, मतलब एक से अधिक चीजों में इनका प्रयोग हो सकता है। ये तो हो गया ह्यूमन वांट्स के, ये रिसोर्सेज के फीचर्स हो गए। अब हम देखते हैं ह्यूमन वांट्स के कौन कौन से फीचर्स हैं। देखिए ह्यूमन वांट्स क्या है कि दे आर अनलिमिटेड एंड दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। कि जो ह्यूमन वांट्स होती है वो क्या होती है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है, और दे कैन नेवर फुली सेटिस्फाइड, और ह्यूमन वांट्स कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दे डिफर इन प्रायरिटीज़। जो ह्यूमन वांट्स होती है वो प्रायरिटीज़ में डिफर होती है, मतलब मानव की जो वांट्स होती है, जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी तीव्रता में अंतर होता है। कोई आवश्यकता बहुत तीव्र होती है और कोई बहुत कम होती है। अब आइए अब समझते हैं हम लोग कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का की क्या मीनिंग होती है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इतनी सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में पढ़ी है, इसीलिए हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे आखिर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए तो ये समझते हैं इसको। देखिए इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस विच स्टडीज द वे सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस विच हैव अल्टरनेट यूसेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। इसमें क्या करा है कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो क्या करता है, करा विच स्टडीज, जो स्टडी करता है, जो अध्ययन करता है किसका, द वे कि किस प्रकार सोसाइटी जो है चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, वह किस प्रकार जो उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसके जो सीमित साधन, उस किस प्रकार उसका चुनाव करती है, और इन सीमित साधनों के क्या होते हैं, इसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, इनका चुनाव करती है, किस लिए करती है, ताकि टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि गुड्स वस्तुओं और गुड्स का वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन किया जा सके, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट, और उन्हें 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 वितरित किया जा सके अमंग डिफरेंट गुड्स ऑफ पीपल, विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच। कहना क्या चाह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वास्तव में क्या एक सोशल साइंस है, जो इस बात का जो जो समाज में जो है, जो सोसाइटी में इस तरीके का अध्ययन करता है कि किस प्रकार जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इन लिमिटेड रिसोर्सेज के जो अल्टरनेटिव यूज हैं, किस प्रकार इनका चुनाव किया जाए, ताकि जो है वस्तुओं और सेवाओं को उत्पाद किया जाए और उनको जो है जो सोसाइटी के डिफरेंट लोग हैं उनके बीच किस प्रकार उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स का आखिर मतलब क्या होता है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक शब्द यूज है, इकोनॉमिक्स क्या है, कह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है। अब ये समझते हैं सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लेना जरूरी है। देखिए प्रश्न प्रश्न उठ सकता है कि वाई इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड ए सोशल साइंस। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जो इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों कंसिडर किया जाता है, उसको सोशल साइंस क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइंस का क्या मतलब होता है। जब साइंस का मतलब समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि सोशल सोशल साइंस का यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया, क्यों सोशल साइंस कहा गया। तो सो हम समझेंगे सबसे पहले व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है। ठीक है, देखिए साइंस क्या होती है, देखिए साइंस जो है द टर्म साइंस स्टैंड्स फॉर एनी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस किसके लिए यूज किया जाता है, साइंस वो टर्म है जो यूज किया जाता है किसके लिए, किसी भी कह कि किसी भी नॉलेज की सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज इसमें कह रहा है जो जो साइंस का टर्म है वह जो है सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए यूज किया जाता है। मतलब किसी भी कोई ज्ञान जो कि सिस्टमेटिक हो और ऑर्गेनाइज हो, क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान करते हैं। हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान करते हैं। तो अब इसमें ये साइंस तो है, अब इसमें सोशल क्यों लगा हुआ है, इसको भी समझते हैं कि आखिर सोशल साइंस क्यों हो गया। साइंस का मतलब समझ में आ गया आपको, तो ये जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है। साइंस क्यों है, साइंस इसलिए है कि आप मैंने लिखा है कि इकोनॉमिक्स इज आल्सो साइंस, ये साइंस भी है, एज इट इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग। यह साइंस है क्यों, क्योंकि यह जो है जो जो मनुष्य के व्यवहार का जो है वह सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करता है। ये ह्यूमन बिहेवियर का ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से, इसीलिए ये साइंस है। और सोशल साइंस क्यों है, इसको भी समझते हैं, सोशल साइंस क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वह किसके साथ डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, इसलिए इसे सोशल साइंस कहा जाता है।
तो यह जो है ह्यूमन व्यवहार को समझने का प्रयास करता है कि ह्यूमन कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो जो हमारे पास जो अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारी और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन इन और उनके उनके माध्यम से जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का बिहेवियर करता है उसका उसको उसका स्टडी करना ही वो इकोनॉमिक्स है। इसलिए इसको जो है सोशल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगर हम शॉर्ट में कह सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। क्रॉस हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी के प्रेजेंस में जो है ये जो विभिन्न प्रकार की चॉइसेस हैं, विभिन्न प्रकार की चॉइसेस करना ही क्या है इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं ये वीडियो इसी पे समाप्त करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको भी उबन न हो और वीडियो लंबा भी ना हो। इसी तरह कुछ पार्ट्स में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा पूरा लेसन और एक सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट का, थर्ड पार्ट में सेकंड पार्ट का, इस तरह मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है उसको देखते जाइएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। मैं इस तरह आपको समझा रहा हूँ, इस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप नोट डाउन भी कर लें, एक नोट्स बना लें आपको और बहुत ज़्यादा इधर उधर भटने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।